तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में बात करने वाले टॉप 5 लूट प्लेसेस प्रिगेटर मैप के बारे में, जहां पे कि मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 प्लेसेस के बारे में प्रिगेटर मैप में, जहां पे कि आप जाकर के आराम से लूट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप गाइस कोई भी मैच खेलो, रैंकेड खेलो या फिर कोई भी मोड खेलो, आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली प्रिगेटर मैप में लूट को लेकर के यहाँ पे। और दोस्तों साथ में आपको मैं एक और बात बता दूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे और थोड़ा सा भी अगर आपको इसे जानकारी हो जाएगी ऐसे 5 लूट प्लेसेस के बारे में, तो गाइस आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस मैं ऐसे ही वीडियोस हर दिन लाता रहता हूं फ्री फायर से रिलेटेड इसी यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे पांचवें प्लेस के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा पांचवा प्लेस है वह है हमारा फील्ड्स। आप मैप पे देख सकते हो वहाँ पे जाकर के। तो गाइज यहाँ पे मैंने ये फील्ड्स है उसको मैंने पांचवें प्लेस पे क्यों रखा यहाँ पे, तो गाइज मैं बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी आपको छोटे छोटे हाउसेज मिलते हैं और जितने भी वेयर हाउसेज मिलते हैं, इन सब में गाइज अच्छी खासी लूट होती है। लेकिन यहाँ पे गाइज जो सबसे ज़्यादा जो आपको लूट की चीज़ें मिलने देखने को मिलती है वो है शॉर्ट रेंज गन्स। यहाँ पे थोड़े बहुत लॉन्ग रेंज मिल जाते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे शॉर्ट रेंज गन्स की ज़्यादातर भरमार है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे उतरते के साथ ही यहाँ पे एक थॉम्सन गन मिल चुकी है। और गाइज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे कि आपको बहुत सारे तरह तरह के यहाँ पे आपको दिख जाने वाले गन्स यहाँ पे। और यहाँ पे इसी के लिए मैंने इसको रखा पांचवें प्लेस पे। आप यहाँ पे आकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप प्रोगेटर मैप खेलते हो तो आप यहाँ पे जरूर से जरूर आए वो। तो यहाँ पे ये था हमारा पांचवा प्लेस। अब बात करते हैं हमारे चौथे प्लेस के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे चौथे प्लेस के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा प्लेस है वो है हमारा मार्बल वर्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे छोटे छोटे घरों की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन यहाँ पे जो इन छोटे घरों की जो कमी पूरा करते हैं वो है यहाँ के साइड में बड़े बड़े रॉक्स। यहाँ पे जैसे कि आप देखते ही होंगे कि यहाँ पे अगर आप पाए होंगे तो यहाँ पे जो लूट होती है वो यहाँ पे इन बड़े बड़े पत्थरों के अगल बगल में यहाँ पे रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे आने के बाद अगर आपको इसमें भी अगर लूट्स कम पड़ती है तो यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे घर है और पार्किंग लॉट्स भी है, तो वहाँ पे आप जा करके लूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको उससे भी ज़्यादा कम पड़ जाता तो आप सीधा लैडर्स पे यहाँ पे जाके चढ़ सकते हो। यहाँ पे येलो कलर के जो लैडर्स हो तो उस पर आप जाके आराम से जाके लूट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी यार एकदम लूट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और यहाँ पे बंदे तो कम उतरती हैं साथ में। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्लेस के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे तीसरे प्लेस के बारे में। यहाँ पे जो हमारा तीसरा प्लेस है वो है हमारा सेंट्रल। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे यार सेंट्रल बहुत ज़्यादा फेमस है अपने घरों के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत सारे घर है जिनको कि उंगलियों पे गिना जा सकता है। लेकिन यहाँ पे यार किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो सारे घरों को गिन सके उंगलियों पे। और यहाँ पे अगर मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक जो लूट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जितने घर होंगे उतने ज़्यादा लूट्स होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो कोट है ये पूरा एकदम सही बैठता है इस लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत सारे घर हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे में लैडर्स के जब आप नीचे आते हो तो अलग से घर है, और लैडर्स के जब आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे अलग से घर है जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा लूट मिलती है। शॉर्ट रेंज गन्स हो, लॉन्ग रेंज गन्स हो, बैकपैक्स हो या फिर आपके पास ग्लू वॉल या फिर ग्रेनेड, आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे ये सेंट्रल बस इसी के लिए जाना भी जाता है। और यहाँ पे कई रोपवे वगैरह तो हैं जहाँ पे कि आपको अलग से लूट मिलती है। और पे बात करते हैं वो हमारे दूसरे प्लेस के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे दूसरे प्लेस के बारे में। यहाँ पे तो जो हमारा दूसरा प्लेस है वो है मैट हाउस। और जैसे कि आप मैट हाउस को जानते ही हो कि ये जो मैट हाउस है ये पूरा लेक से घिरा हुआ है और ये एकदम बीच में एकदम सिंगल पीस है जहाँ पे कि यार बंदे बहुत कम उतरते हैं। और ये प्लेस एकदम बहुत अच्छा है लूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गाइस सिर्फ इसी सामने वाले घर में ही आपको बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पे लूट करने की चीज़ें। और यहाँ पे गाइस अगर मैं बता दूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको लॉन्ग रेंज गन्स ज़्यादा मिलेंगे और शॉर्ट रेंज भी ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन गाइस ये लॉन्ग रेंज गन्स का बहुत ज़्यादा अच्छा घर है यहाँ पे, जहाँ पे कि आपको बिना किसी दिक्कत के लॉन्ग रेंज गन्स मिल जाते हैं। और कहीं शॉर्ट रेंज की बात करो तो यहाँ पे ज़्यादा आपको MP40 और या फिर थॉम्सन गन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि कई मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे आने के बाद मुझे थॉम्सन गन और यहाँ पे मुझे MP40 ज़्यादातर मिले। तो मेरे ख्याल से ये दोनों गन्स आपको बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो अपना अभी ओपिनियन बताना मुझे कमेंट में कि आपको कौन सी शॉर्ट रेंज में गन्स मिली है। और ये था मेरा दूसरा प्लेस जहाँ पे कि आप लूट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब बात करते हैं हमारे पहले प्लेस के बारे में। आप तो दोस्तों बात करते हैं हमारे पहले प्लेस के बारे में। यहाँ पे तो जो हमारा पहला प्लेस है वो है स्काई लॉज। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्काई लॉज को जाना ही जाता है सिर्फ और सिर्फ इसके लूट के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे स्काई लॉज के डाउन वाले जो एंट्रेंस है वहाँ पे भी यार बहुत सारे लूट्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो आप जब अंदर से अगर आप जाओगे स्काई लॉज के ऊपर वाले एंट्रेंस पे तो वहाँ पे भी गाइस आपको बहुत सारे लूट्स मिल जाते हैं, और बीच में भी आइस के पास भी आपको बहुत सारे लूट मिल जाते हैं, क्योंकि यार ये लूट्स के एकदम
ट्रेजरी है पूरा, अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी लूट्स की ट्रेजरी है, जहाँ पे कि आपको पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ लूट्स के लिए आप अगर आप आओगे यहाँ पे तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। वो शॉर्ट रेंज गन हो या फिर लॉन्ग रेंज गन हो, वो सारे एकदम यहाँ पे एकदम बैलेंस्ड यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे अगर आप आ जाते तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है लूट करने में। और यहाँ पे आप जैसे कि अगर आप खेलते हो फ्री फायर, अगर आप आए होंगे तो यहाँ के बारे में आप ज़रूर से ज़रूर जानते ही होंगे, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो गाइज ये था हमारा पहला प्लेस और ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे कि हमने आपको बताया कि ऐसे पांच प्लेसेस के बारे में जहाँ पे कि आप आराम से जाकर लूट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।